मम्मा देवत नाम है। जो मिट्टी का काम है नी किले का, जो किले के पोर्ट बनाने, बर्तन बनाने, तो ये मेरे दादा करते थे। फिर मेरे दादा के बाद मेरे वालिद साहब, उन्होंने किया। हम चार भाई हैं, चार भाइयों में से सिर्फ वालिद का मैंने साथ दिया इस काम में। अल्लाह के फजल से मैं इस काम का मास्टर हूँ। ये जो पेंटिंग वाला काम है नी, ये किधर मैंने किया नहीं है। ये बचपन में शौक था मुझे, कापियों पे मतलब रक्षे, साइकिलें, फूल फूल ये वो वगैरह जैसे बनाने, और दीवारों पे जो है ना, उस ज़माने में अदाकार होते थे मोहम्मद अली, वहीद बरार, उनकी तस्वीरें मैं कोयला लेके बनाता था। मेरी 10 साल की उम्र थी जब मैंने एक खीर की प्याली आई नी, ये इसका मैं कारीगर बन गया था। हाथ की चक्की होती थी लकड़ी से, जो घुमाते थे हम लोग उस पर बना दे, तो वालिद को पता अभी तुम बैठ जाओ मैं ये करता हूँ। तो आज अल्लाह के फजल से ये इसका मैं बहुत बड़ा कारीगर हूँ। जो चीज़ बिक जाती है नहीं, इसके बाद मेरे जहन में नहीं होता कि मैंने क्या बनाया। वो कस्टमर आता है, बोलता है भाई वो आपसे हम ले गए थे एक चीज़, वो ऐसी बनी हुई थी, मैंने मुझे याद दी है। वो तस्वीर दिखाते हैं तो तस्वीर से ही मेरे से नहीं बनता है, बोलता वो चीज़ लेके आओ मेरे सामने रख दो तो मैं आपको बना के दे। जैसे ये अभी किसी ने बना हुआ देख लिया कि भी हमें ये 10 गमले चाहिए, तो मैं उसको इसी डिज़ाइन में 10 गमले बना के दे दूँगा उनको। ये जितने भी मतलब ये आप देख रहे हैं नहीं, ये मैं अपने जहन से एक खाका बनाता हूँ, उसके बाद उसको बना लेता हूँ। बस ये सब मतलब गमला मैंने रख लिया, कलर भी रख लिए, अब क्या बनाना है मुझे ये पता नहीं है। बस मैं शुरू हो जाता हूँ, अब क्या करना है बस ऑटोमेटिक कुदरती जहन में आता रहता है, तो बनता जाता है।